हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर सेकंड भोली। लेट्स वी स्टार्ट। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका नाम सुलेखा था, परंतु उसके बचपन से सभी उसे भोली बुद्धू कहा करते थे। सिंपलटन मींस बुद्धू। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह रामलाल नंबरदार की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain। जब वह 10 महीने की थी, वह अपने सिर के बल चारपाई कोट से नीचे गिर गई थी और शायद इससे उसके मस्तिष्क का कोई भाग डैमेज हो गया था, यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया था। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली the simpleton। यही कारण था कि वह पिछड़ी हुई backward child रह गई थी और उसे भोली बुद्धू के नाम से भी जाना जाने लगा था। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी। बर्थ के टाइम पे जो बच्ची थी भोली, वो बहुत ज़्यादा फेयर थी और प्रीटी थी। लेकिन बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो उस पर चेचक का आक्रमण हो गया था। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का अटैक यानी आक्रमण। Only the eyes were saved, सिर्फ उसकी आँखें ही बची थी। But the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks। लेकिन उसकी जो entire body थी, पूरी जो उसकी body थी, स्थायी रूप से गहरे काले चेचक के दागों से विकृत हो गई थी। Disfigured यानी विकृत हो जाना। Little Sulekha could not speak till she was 5 and when at last she learned to speak, she stammered। लिटिल सुलेखा, जो नन्ही सी सुलेखा थी, वो बोल नहीं सकी और अंत में जब उसने बोलना सीख लिया, स्टार्ट किया, तो वो स्टैमर्ड करने लग गई, यानी कि हकलाने लग गई। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। जो बच्चे थे प्राय उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्ड करते थे, नकल करते थे, यानी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसका रिजल्ट ये रहा कि वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 children, 3 sons एंड 4 daughters एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियाँ, और भोली उनमें सबसे यंगेस्ट थी, यानी कि सबसे छोटी थी। इट वॉज ए प्रॉस्पियस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। यह एक समृद्ध किसान का कुटुंब था और वहाँ खाने पीने के लिए भरपूर था। मतलब रामलाल के पास ऐसी कोई भी कमी नहीं थी जो उसके घर में नहीं हो। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, उसके घर में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ करके जो रामलाल के सभी चिल्ड्रन थे, वो हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंड टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। जो उनके पुत्र थे, उनको पहले ही विद्यालय में अध्ययन करने के लिए नगर भेज दिया गया था, सिटी वाले स्कूल में भेज दिया गया था, और बाद में कॉलेज में भी भेजा गया था। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। जो राधा थी, सबसे एल्डेस्ट थी जो डॉटर में, बेटियों में, उसकी पहले ही शादी की जा चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड वेन दैट वॉज डन। और जो सेकंड बेटी मंगला थी, उसका विवाह भी तय किया जा चुका था जब वह संपन्न हो गया, और वह संपन्न हो गया था। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। रामलाल को तीसरी बेटी चंपा के बारे में अब सोचना था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। वे सभी दिखने में अच्छी स्वस्थ लड़कियाँ थीं और उनके लिए वर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं था। वर यानी ब्राइडग्रूम्स, जो दूल्हे, उनके लिए ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वॉरिड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल को अब भोली के बारे में चिंता थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि वह ना तो सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old वेन मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला का विवाह हुआ, उस समय भोली की एज 7 years थी, 7 वर्ष की थी वो। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज।
उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल भी खोला गया था। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार साहब थे वो उसका उद्घाटन करने आए थे। परफॉर्म इट्स ओपनिंग मीन्स होता है सेरेमनी यानी समारोह का उद्घाटन करने आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा एज ए रिवेन्यू ऑफिशियल कि राजस्व अधिकारी के रूप में यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार ने तुम्हें एक प्रतिनिधि के रूप में चुना है इन द विलेज, इस गांव में, एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स, तो तुम्हें गाँव वालों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तहसीलदार ने रामलाल से कहा कि राजस्व अधिकारी के तौर पर तुम इस गांव में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हो और इसलिए तुम्हें ग्रामवासियों के समक्ष जो विलेजर्स हैं उनके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी बेटियों को अवश्य स्कूल में भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड आर यू क्रेजी, उसी रात को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मांगी वह चिल्लाई क्या तुम मूर्ख हो। इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर गर्ल स्कूल जाएगी तो उनसे मैरी कौन करेगा यानी उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में तहसीलदार की डिसोबे करने की हिम्मत नहीं थी, उसमें इतना करेज नहीं था कि उनकी बात को वो नहीं माने। एट लास्ट हिज वाइफ सैड, और अंत में उसकी वाइफ ने कहा आई विल टेल यू वॉट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एट इट इज देयर इज़ ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, जैसी स्थिति है उसके विवाह की संभावना बहुत कम है, उसके जो कुरूप चेहरा है और उसकी समझ के कारण उसकी जो मतलब विवाह है उसका शादी है वो भी नहीं हो पा रहा है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वॉरी अबाउट हर, टीचर्स को ही उसकी चिंता करने दो, मतलब सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो उसके टीचर को ही करने दो। द नेक्स्ट डे रामलाल कैच भोली बाय द हैंड एंड सेट कम विथ मी, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा तथा बोले मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलूँगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई थी। शी डिड नॉट नो वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसे याद आया कि किस प्रकार कुछ दिन पहले उसकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी उसको भी घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था। नन नन नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। न न नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा भैंसी चीखी, टेरर की तरह वो चीखी और पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ रखा था तो उसके हैंड से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था। वट इज़ द मैटर विथ यू यू फूल, तुम्हारे साथ क्या बात है अरे मूर्ख, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर बाद में उन्होंने अपनी वाइफ से कहा लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टूडे और एल्स वॉट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस वैन दे सी हर, आज इसे कुछ ढंग के वस्त्र पहनाओ नहीं तो शिक्षक और विद्यालय की जो अन्य लड़कियाँ हैं हमारे बारे में क्या सोचेंगी, जब वे उसे देखेंगी तो क्या सोचेंगी हमारे बारे में। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के पुराने वस्त्र जो कपड़े थे उसे हमेशा दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी उसके कपड़ों की मरम्मत मैंड नहीं करता था और धोने की कोई फिक्र भी नहीं करता था। बट टूडे शी वॉज लक्की टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो लक्की थी कि उसे एक क्लीन ड्रेस मिली थी विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कई बार धुलने के पश्चात सिकुड़ गई थी और जो चंपा को ठीक नहीं आती थी यानी कि छोटी पड़ गई थी। शी वॉज इवन बाथड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, उसे नहलाया भी गया और उसके सूखे जो उलझे हुए बाल थे उसमें तेल रब्ड किया गया यानी कि मला गया था, तेल लगाया गया था। ओनली देन डिड शी बिगिन
टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। केवल अब उसे विश्वास हो गया था इन सब चीज़ों से, उसने विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था कि उसके घर से बेहतर स्थान पर उसे बेटर प्लेस पे लेके जाया जा रहा है, मतलब जहाँ पे वो जाएगी वो घर से बहुत ज़्यादा बेटर है और अच्छा है। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो।